मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप सबसे पहले आप तक पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बनाने लगे हैं बीफ का स्टू। इसके लिए हमने ऑयल डाला पतीली में और उसके बाद हमने इसके अंदर प्याज जो कि हमने बारीक काट ली थी इसको ऐड करेंगे। अगर हमारा 1 किलो गोश्त होगा तो उसके अंदर हम 3 पाव प्याज डालेंगे। अब इसको हम बिल्कुल हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो इसके अंदर हम गोश्त ऐड करेंगे। गोश्त के साथ हम लहसुन अदरक जो कि हमने पहले से थोड़ा सा कूट लिया था उसको हम डाल के अच्छी तरह भूनेंगे। इसको भूनने के साथ साथ हम इसके अंदर बाकी मसाले डालेंगे जो कि सब साबुत मसाले होंगे। 2 से 4 लौंगें, दालचीनी, 2 बड़ी इलायची, थोड़ा सा ज़ीरा, नमक, कुटी हुई मिर्च, साबुत मिर्चें 6 से 7 अदद, ये सब चीज़ें हम डालकर इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। इसको भूनने के बाद हम इसके अंदर 2 अदद बारीक कटे हुए टमाटर डालेंगे। 2 से 3, अगर दरमियाने हों तो 3 अदद डाल सकते हैं। अब इसको अच्छी तरह से आप भून लें। जब ये अच्छी तरह से भून जाए तो इस अगर ये बीफ का है जैसे तो इसके अंदर 2 से 3 अदद गिलास के पानी डाल दें। लाल मिर्च, नमक, हल्दी, कुटी हुई मिर्च डालकर पानी के साथ अच्छी तरह से इसे ढक दें। जब तक गोश्त नहीं गलेगा जब तक इसे आप पकने दें। जब इसका पानी खुश्क हो जाए तो इसके अंदर 3 से 4 अदद टेबलस्पून दही के वो मिक्स करके और इसको हल्की आंच पर पानी तेल ऊपर आने तक इसको पकने के लिए रख दें। इसके बाद हरी मिर्चें डालकर और थोड़ा सा धनिया, हरा धनिया डालकर इसको आप गार्निश कर लें। बहुत मज़े का और बहुत टेस्टी स्टू तैयार है। इसको आप, आपकी मर्ज़ी है, इसको आप नान के साथ भी खा सकती हैं, चपाती के साथ भी खा सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और रेसिपी पसंद आई हो तो इसको ट्राई ज़रूर करिएगा और इसको मुझे फीडबैक भी दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू।